इसके 15 फ्लोर है, पर वहाँ पे हलचल हो गई, झगड़ा हो गया है वहाँ पे, बाम्बू वाम्बू लेके मार रहे हैं वहाँ पे भाई। ठीक है, ऐसा देवनार में होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है उर्वेश शाह, नाम तो सुना होगा, नाम है स्लो कैट द वीडियो। तो आज मैं हूँ देवनार बकरा मंडी में। सैटरडे की मंडी की अपडेट है, तो सैटरडे की मंडी में देखेंगे कैसे बकरे आए हैं, क्या माल उतरा है, क्योंकि आज तारीख है 17, ठीक है, और 18 तारीख को कल बकरे उतरने वाले हैं। तो आज लास्ट मंडी है सैटरडे की, मतलब ऑफ सीजन की, तो ऑफ सीजन में देखेंगे आज कैसा माल उतरा हुआ है। ठीक है, चलो चलते। तो भाई, बकरे दिखाने के चक्कर में मेरी आज वाट लगने वाली थी, पूरी पहाड़ियाँ जा रही है भाई। ये डेयरी के पाड़े है, ये कुर्बानी का नहीं है, ये बोलते ना दूध निकालते ना लोग डेयरी में जाता है उसके पहाड़े में, तो मेरी वाट लगती थी भाई। आज बच गया मैं, आज इतने बड़े बड़े है, 150-200-300 किलो के पहाड़ियाँ है। ये कुछ चुंबा बनाए थे मेरा आज इन लोग, तो आप देख लो आज पहाड़ी देख लो। S5 भाड़े पे हूँ अभी रिसेंटली, यहाँ पे 3 बकरे का मैंने रेट पूछा हूँ। ठीक है, व्यापारी की शक्ल ये है, ये है व्यापारी। ओके, इन्होंने इसका बोले है 50,000 रुपये मुझे बोले है। बकरा माशाल्लाह वाइट आइज में है, वजन में भाई 80 kg तो अभाव है, खोजत नसल हाइट पैड क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, 50 इसका बोले है, ठीक है, और 33,000 रुपये इसका बोले है ये वाले बकरे का। ठीक है, जो है इससे कंपैरिजन देखो कितना छोटा है ये, और वो वजन में ज़्यादा है, और खूबसूरती भी इसकी अच्छी है माशाल्लाह इसके कंपैरिजन। बाकी चीज़ देखो, 50 तो आस्किंग प्राइस है, कम हो जाएगा। और ये बकरा जो दिख रहा है बाहर साइड पे, इसका 50 बोले। यहाँ पे कुछ सौदा चल रहा है बकरे का इन लोग का, तो वही सब बातचीत चल रही है इधर। हाँ, निकल के देखते हैं आप। यही जो बकरे जिसकी बातचीत चल रही थी, ये वाला बकरा बोलता 50 का। देखो ये जो बकरा है इसका 50 बोले। ठीक है, ये बकरा माशाल्लाह अच्छा है, ये भी हाइट में भाई जो खड़े हैं तो आपको दिखेगा नहीं सही से, बाकी इसका 50 बोले और उसका 50। ठीक है, और सौदा हो रहा है यहाँ पे लाइव। ठीक है, मगर अभी देख लो बकरा भाई, 50,000 रुपया बस आस्किंग पास, और उसका भी 50, उसका 35। 3 बकरे यहाँ पे है, और यहाँ पे और 3-4 बकरे, इसका आइडिया नहीं प्राइस का। बाकी बकरे ये भी देख लो माशाल्लाह अच्छे है, इसको मतलब सस्ते में चाहिए 20-25 तक शायद से आ जाएंगे ये। इनका बोलने का रेट बता रहा हूँ मैं, व्यापारी के पूछा नहीं मैंने रेट, व्यापारी का आइडिया नहीं, बता रहा हूँ 20-25 बोलेंगे, और आपको ख़रीदना है ये 15-16 में ख़रीदना है ये सब। ठीक है, देखिए कैसे दूर व्यापारी आते हैं और यहाँ पे खाना बनाते हैं, हम सब लोग के लिए बकरे लेके आते हैं, कितनी मेहनत का काम करते हैं इन लोग, तो इन लोग के लिए एक लाइक बनता है। तो यहाँ पे एक बकरा है भाई, इसका 28,000 मांग रहे हैं। ओके, और बॉडी वेट में रहेगा ये 50 kg रहेगा, और ये बकरा मैंने कल दिखाया था, व्यापारी इसका अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है, तो 28 मांग रहे हैं। सलाम चाचा, कैसे खैरियत? तो कल के बकरे बिक गए आपके? अभी कुछ नए बकरे लाए हो? ठीक है, तो ये कोटा लाए हैं चाचा ने। चाचा कितना मांग रहे हैं इसका? मैं इसका 45 मांग रहा हूँ। 45 मांग रहे, कम हो जाएगा। कितना बॉडी वेट कितना रहेगा तुम्हारे हिसाब से? 90 किलो। थोड़ा चलाओ ना भाई, थोड़ा आगे आगे लो, आगे लो। कारोली कोटा है ये। बस बस ये साइड ले लो, ये साइड ले लो। अच्छा, ये फाइनल है आपका? कुछ कम नहीं होगा इसमें? इसमें कम होगा ना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे ज़्यादा इसका प्राइस। नहीं, वो क्या है, अपन थोड़ा नीचे मांगेंगे ना तो फिर पब्लिक और नीचे मांगे। अच्छा, पर भाव में दे दोगे ना? जैसे पहले के बकरे आपने दिए भाव में 22 में 23 में, तो ठीक है। ये तो बहरहाल मैं इसका अगर फाइनल बोलूँ, हाँ, ये मैं 36 में दे दोगे? बोल रहा हूँ 42, लेकिन 36 चलेगा चलेगा भाई। बता दिए चाचा ने, नंबर बोलो ना एक बार, फोन नंबर 9321 2120 7874। और कुछ बकरे हैं आपके? तूफान है, तूफान है। दिखाओ आपके तूफान, दिखाओ। खस्सी है? अच्छा, ये अंडू। अच्छा, ये तूफान है, शक्ल से लग भी रहा है तूफान भाई वो। हाँ, अच्छा, शौकीन लोग के लिए। नहीं नहीं नहीं, कूलर चलेगा, ऐसा खड़ा 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 कर दो, खड़ा कर दो, कोई बात नहीं, खाली खड़ा कर दो उसको भाई, गर्म ही है तो बॉबो करने वाला है। बॉडी वेट कितना रहेगा तुम्हारे हिसाब से इसका?
70 जाएगा, 70 को हाइट भी माशाल्लाह अच्छी है और दुबाबदार है, मतलब पैर पैर का भी अच्छा है ये माशाल्लाह। इसका भी मैं 42 मांग, 42 मांग रहे हो, लेकिन वही अपना 36 तक फाइनल कर दोगे? ठीक है, हालांकि कल दो जन लगाए, हाँ 32 लगाए थे, फिर रात में बोले कुछ ऊपर कर देंगे ऐसा था, तो मैं माल रखने चला गया था। हाँ, तो आप सुबह से उन लोग का फोन आया, अच्छा तो भाई हम लोग आ रहे, किसी को देना नहीं, ये कल बाद में आना, मेरे जाने के बाद आया ना बकरा। ठीक है, एक ये और कोई है? और ये दो कस्सी अपने, कितना जोड़ी का क्या बोल रहे? जोड़ी का मैं 50 मांग रहा हूँ, लेकिन ये अपन लास्ट 45 में दे देंगे, 50 इसका मांग रहे। कस्सी है एक 60 किलो वेट है, हाँ एक 45 के चलेगा। दूसरा एक ये भी है, ये की है, ये थोड़ा हल्के में है, हाँ अंडू है, हाँ हाँ चार दांत पे इसका क्या मांग रहे हो? इसका मैं 22 मांग रहा हूँ, 22 मांग रहे, लास्ट इसको मैं 20 में दे, 22 मांग रहे, 20 में दे देंगे बकरा। देख लो इसमें कुछ दिक्कत है कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं ना, बस ये है कि अपने को जैसा, हाँ में थोड़ा आया है, हाँ हाँ तो वो हिसाब से अपने को निकाल दो। अच्छा अच्छा, बाकी चाचा का रेट अभी के टाइम पे वाजिब है, ठीक है, चाचा कम भी कर रहे, दो दो तीन हज़ार कम कर रहे, ये भी अपना ही है? नहीं ये बिक गया। अच्छा ये बिक गया क्या? चलेगा, 55 ठीक है। दो अंडू ऐसा, ये भी बिक गया, ये बिक गया, ये और ये, ये और ये बिक गया। देख लो माशाल्लाह गोल गोल बच्चे, खस्सी है चाचा, और आएंगे धक्के पे आएंगे, आ गए हैं, अंदर आना बाकी है, चलेगा वो देख लेंगे, अब बाद में आगे से घूम के आता हूँ मैं, आप हो ना इधर ही, चलेगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्या हो रहा है भाऊ, कैसे मज़े में ना? यहाँ पे कुछ बकरी के बच्चे हैं भाई, माशाल्लाह सोजत नस्ल में है ये सब, चेहरा देख लो माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है, देख रहे हैं ये, इसका व्यापारी यहाँ पे है नहीं, पर बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ मेंढे है, जो श्वेत भाई बात करे, श्वेत भाई अस्सलाम वालेकुम, पसंद आया मेंढा? एक पसंद आया ये वाला कुछ, कितना बोले भाई? वो दिन रेट तुम डाले थे ना, 28,000 बत्ती है, नहीं तो इसके 15 बोल रहे, पर वहाँ पे हलचल हो गई, झगड़ा हो गया है वहाँ पे, बाम्बू वाम्बू लेके मार रहे हैं वहाँ पे भाई, ठीक है, ऐसा देवनार में होता है। देखो क्राउड, देखो कितना जमा हो चुका है, बोला क्या हो गया भाई अचानक से, इसे देख रहा हूँ सब लोग वहाँ पे चले गए व्यापारी लोग, इसका 15 बोले, बाकी ये झगड़ा हो रहा है यहाँ पे, देखो जमा हो गए, बाम्बू वाम्बू लेके मारना चालू हो चुके, और कुछ टाइम में पुलिस लोग भी आ जाएंगे अभी, ये देखो क्या बोल रहे भाई, हाँ वही बोल रहा, लफड़ा हो गया वहाँ पे, व्यापारी में होता रहता है भाई, वो बहुत होता है भाई, बहुत होता हूँ, गर्मा गर्मी चालू थे, हाँ मौसम का बदलाव व्यापारी में दिख रहा है, अभी जोश चल रहा है, तो सुबह से आए हुए ठंडे थे सब, हाँ हाँ मंडी हाई हो रही है, मंडी हाई हो रही, देखिए ना जमा देखो कितने हो गए। और हम मेंढा दिखा रहे थे, पीछे देखो तो झगड़ा चालू हो गया, क्या बोलने का, इधर ये मंडी है, सब लोग आते हैं, हाँ वो सब अच्छे से सब लोग लेते, बार्गेनिंग करते, लेके जाते खरीदी, हाँ क्या करेंगे, झगड़ा करके क्या मिलने, क्या मिलने वाला, देखो ना अभी भी क्राउड है बढ़ जाते ना भाई, झगड़े होते, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंट्रोल में आ गया हो, क्योंकि पब्लिक भी कैसे सपोर्टिव है, हाँ हाँ पब्लिक भी सपोर्ट कर रहे थे, तो अब चलो अपने बैक टू द वीडियो, अपने मेंढे देखते, मेंढा खरीदने वाले तो देखते हैं अभी क्या है, कुछ पसंद आया श्वेत भाई इधर? अरे एक पसंद आया ये वाला मेंढा, कितना 15 बोले, कितना बोले? 15 बोले, हाँ लेकिन उसमें गोश्त एक 22 किलो, 22 किलो बहुत कम मिलेगा, कैसे अपने को थोड़ा हेवी में चाहिए, मतलब 21 किलो गोश्त निकलना, 30 किलो गोश्त तो निकलना चाहिए, इसमें वो इतना ये कापूस में से ले आता ना वेट, क्या बोलते उसको, कितना जाता फिर 10 किलो चले जाता है चमड़ी के अंदर, ऐसा है कि ये सब है ना, ये वगैरह ये सब जो है, हाँ इसका ज्यादा दिखता बड़ा है इसमें, हाँ मेन क्या हाथ लगे तो पूरा देखोगे ना तो समझ में समझ में नहीं फिटिंग कैसी, फिटिंग कैसी है, चलेगा और मेंढे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं चलो। तो गाइस ये था पार्ट 1 एंड कर रहे श्वेत भाई के साथ, अब श्वेत भाई भी पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले अपने वीडियो के अंदर, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ मेंढे पूछने वाले, फिर मेंढे देखते हैं अपन क्या भाव में मिलते हैं। बाकी पार्ट 1 वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताओ, और सब्सक्राइब करो भाई के भी चैनल को, और ये चैनल का नाम क्या था? आरबी पेट फार्म, ये भाई का चैनल है, पनवेल की खास कर अच्छी अच्छी वीडियो आती है, मतलब नवी मुंबई साइड है ना, पनवेल तलोजा साइड, वो सब साइड के मेरे ज्यादा है वीडियोज वगैरह, देवनार का भी
भी है अपडेट, और इंशाल्लाह अभी रोहित भाई ने कल्याण की स्टार्ट की है, इंशाल्लाह भाई के साथ में सस्पेंस था भाई, वो बोलने अगले वीडियो में बोलने वाला था, अभी मैंने फोड़ दिया सस्पेंस, अभी ये डालना ही पड़ेगा। देखो मैं कल्याण जा रहा हूँ आज, और भिवंडी भी जा रहा हूँ, भिवंडी कल्याण के व्यूअर्स जरूर देखे तो देखे। चलो वीडियो एंड करें।